हेलो स्टूडेंट टूडे विल डिस्कस ऑन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास एट साइंस दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ओके बहुत इजी चैप्टर है आराम से हो जाएगा तो यहाँ पर फर्स्ट जो वर्ड आता है दैट इज़ क्रॉप व्हाट इज़ क्रॉप प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस इन लार्ज क्वान्टिटीज इन ए फील्ड आर नॉन इज क्रॉप्स एक ही जगह में अगर एक टाइप का कुछ भी क्रॉप तुम लगा रहे हो मतलब कल्टिवेट कर रहे हो, होन दैट इज कॉल्ड एज क्रॉप ओके दैन एग्रीकल्चर फिर आ गया एग्रीकल्चर ये क्या है ये प्रैक्टिस 12000 हजार साल पहले से ही स्टार्ट हो गया था चल रहा था इसका मतलब ये होता है फॉर एग्जाम एग्री अगर उसको तोड़ देंगे एग्री का मतलब होता है फील्ड और कल्चर का मतलब होता है केयर अगर हम फील्ड में किसी भी चीज़ का केयर ले रहे हैं ना उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर दैट मीन्स ग्रोइंग ऑफ प्लांट और रेजिंग ऑफ एनिमल फॉर ह्यूमन यूज़ खुद के यूज़ के लिए खुद को खुद का खाना के लिए खाने के लिए अगर हम कुछ कल्चर कर रहे हैं केयर ले रहे हैं किसी का देन दैट इज कॉल्ड इज एग्रीकल्चर हम ग्रो कर रहे हैं प्लांट और एनिमल्स हम उसको ग्रो कर रहे हैं खुद के लिए खुद के खाने के लिए ओके okay? तो एक गया एग्रीकल्चर उसी हिसाब से बहुत सारे कल्चर उसके बाद आ गया मान लो कि एक्वा कल्चर हर्टी कल्चर पीसी कल्चर एपी कल्चर बहुत सारे होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स टू एक्वा कल्चर एक्वा कल्चर किसे कहते हैं अगर वाटर में कुछ आ, ऐसे कल्टिवेशन कर रहे हैं कल्टिवेशन मतलब कुछ भी कल्चर कर रहे हैं देन दैट इज कॉल्ड इज एक्वा कल्चर एक्वा का मतलब क्या होता है वाटर जैसे कि फ़ीस या फिर प्लांट जो होते हैं जो पानी में होते हैं उसको बोलते हैं एकवाकल्चर हार्टी कल्चर आता है हर्टी मतलब होता है ना फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ओके वेजिटेबल्स उसको अगर हम कल्चर करें देन दैट इज़ कॉल्ड इज हार्टी कल्चर तो ये बहुत सारे कल्चर्स यहाँ पर कैटेगरी होता है वैसा ये तुम्हारा पीसी कल्चर पीसी का मतलब होता है फ़िश फीस कल्चर को बोलते हैं पीसी कल्चर ओके गार्डनिंग जो होता है ना उसको बोलते हैं हर्टिकल्चर ओके okay? तो अभी एक नया टर्म आता है मोनोकल्चर कल्चर तो मतलब पता है मोनो मतलब होता है सिंगल इसका मतलब वो होता है कि तुम अगर एक ही क्रॉप को एक ही सॉयल में बार बार लगाओगे ईच ईयर ईच ईयर या फिर ईच सीज़न में अगर लगाते जाओगे एक ही क्रॉप को देन दैट इज कॉल्ड इज मोनोकल्चर मान लो पेडी पूरा साल तक अगर पेडी उसी सॉयल में बार 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 लगाते जाओगे देन दैट टाइप ऑफ कल्चर इज कॉल्ड इज मोनोकल्चर मोस्ट ऑफ द रीज़न ऑफ इंडिया कम्स अंडर ट्रॉपिकल रीजन तो इसीलिए इंडिया बहुत सारे सीजन महसूस करता है एंड इस हिसाब से हमारा क्रॉप सिस्टम भी चेंज होता है तो क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है सीजन वाइज उसको कैटेगरी किया गया है तीन पार्ट्स में फर्स्ट वन इज़ खरीफ एंड सेकेंड वन इज रबी एंड थर्ड वन इज़ जैद क्रॉप तो चलते हैं खरीफ क्रॉप खरीफ क्रॉप को क्या बोलते हैं रेनी क्रॉप वो रेनी सीजन में ज़्यादातर होता है कब लगाते हैं उसको स्टार्ट करते हैं उसको लगाना जून से एंड हार्वेस्टेड होता है अक्टूबर में ये रेनी सीजन का टाइम होता है इसीलिए उसको रेनी क्रॉप बोलते हैं एग्जाम्पल में उसमें क्या क्या आएगा पेडी मेज़ कॉटन सोयाबीन ग्राउंड नट ये सब होता है खरीफ क्रॉप में कम्स टू रॉबिक क्रॉप क्रम रबी क्रॉप विंटर सीजन में होता है स्टार्टिंग होता है तुम्हारा अक्टूबर से एंड हार्वेस्ट हो जाता है अप्रैल के महीने में ये विंटर क्रॉप होता है ओके okay, याद कैसे रखोगे रबी फॉर द सन मतलब वो सनी सीज़न होना चाहिए समर सीज़न लेकिन ये विंटर है उसका ऑपोजिट है उसी तरह उसको याद रखना चाहिए कैसे तो करके वो तो याद तो रखना चाहिए ना तो नवंबर से स्टार्ट होके अप्रैल तक स्टार्ट होता है मतलब कुछ कुछ अक्टूबर से भी स्टार्ट हो जाते हैं एग्जाम्पल होते हैं मस्टर्ड स्वीट ग्रैम लीन सीड ऑयल सीड ये सब होता है क्रॉप्स में अब तुम खरीफ रबी के बारे में पढ़े होगे ठीक है तो जैद क्रप क्या है एक न्यूली एक स्टार्ट हुआ है जैद क्रप नॉर्मली उसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं तो ये स्टार्ट होता है मार्च के महीने में एंड जुलाई में उस ख़त्म हो जाता है ज़्यादा इरिगेशन नहीं चाहिए उसे नॉर्मल वाटर में हो सकता है ओके फॉर एग्जाम्पल कोकम्बर पम्पकिन ग्रेप्स ये सब क्या होता है ना तुम्हारा नॉर्मल सीजन में हो जाते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ओके तो ये थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉप सिस्टम इन आवर इंडिया कुछ भी क्रॉप स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है ऐसा नहीं कि तुम लेके सीड को ऐसे फेंक के चले आओ वो हो जाएगा वैसा कुछ नहीं तो इसमें ये सारे स्टेप्स होते हैं एंड उसको वन बाय वन हम पढ़ेंगे तो फास्ट जो स्टेप होता है दैट इज़ सॉइल प्रिपरेशन सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है वैसा नहीं सॉइल नॉर्मली उसमें हो जाता है प्रिपेयर करना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लूज करने के लिए हमको क्या करना चाहिए प्लाउंग करना चाहिए प्लाउंग क्या होता है लूजनिंग ऑफ द टॉप सॉइल इज कॉल्ड एज प्लाउंग ऊपर वाला जो सॉइल होता है ना टॉप सॉइल अगर हम उसको प्लाउिंग नहीं करेंगे हल्का नहीं रखेंगे तो क्या होगा उसका जो जो भी प्लांट हम लगाएंगे ना उसका जो रूट्स होता है वो अंदर तक नहीं जा पाएगा तो प्लाविंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है ऊपर वाला जो सॉयल होता है उसको अगर ऊपर नीचे हम नहीं करेंगे तो क्या होगा वो लूज़ नहीं होगा प्लांट इजीली ग्रो नहीं कर पाएगा ठीक है तो इम्पोर्टेंस क्या होता है सॉयल होल्ड्स मोर वाटर एंड एयर जब भी तुम उसको खोला रख दोगे ऊपर नीचे कर दोगे मिक्स कर दोगे तो वो खोल जाएगा और उसमें ज़्यादा वाटर रह सकता है एंड एज वेल एज एयर भी रह सकता है उसमें गैप होता है ना उसमें एयर भी रह सकता है ओके okay? उसमें से वो रेस्पिरेशन भी मतलब ब्रीदिंग कर सकता है जो प्लांट का रूट होता है वो ब्रीदिंग कर सकता है कम्स टू सेकेंड पॉइंट दैट इज रूट पेनीट्रेट डीप इंटू द सॉयल रूट सॉइल के अंदर को जाने को बोलते हैं पेनीट्रेशन ओके okay? तो उसमें से क्या होता है ना जो हल्का हो जाता है सॉइल इसके अंदर आराम से इजीली रूट अंदर तक जा सकता है कम्स टू थर्ड पॉइंट दैट इज़ हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ आर्थाम एंड माइक्रोब्स आर्थाम मतलब फार्मर का फ्रेंड होता है माइक्रोव्स भी कुछ ऐसे होते हैं ना जो अच्छा काम करते हैं जैसे कि रईबुजो मह पढ़े थे प्रो नाइट्रोजन फिक्स करता है उसी तरह अगर हम लूज़ करके रखेंगे मिट्टी को तो क्या होगा उसमें आर्थोम एंड माइक्रोब्स बढ़ेंगे कम्स टू फोर्थ पॉइंट ईजी टू मिक्स द फर्टिलाइज़र होता है ना फर्टिलाइज़र डालते हैं या फिर मेन्यूर डालते हैं तो हम अगर उसको उसके ऊपर डालते हैं सॉइल के ऊपर डालते हैं और सॉइल लूज होता है तो उसमें से इजीली वो मिक्स होता है मेन्योर क्या होता है कंपोस्ट किससे बना हुआ होता है काउडंग से बना हुआ होता है? है और बहुत सारे ह्यूमस उसमें होते हैं ओके देन कम्स टू फिफ्थ पॉइंट दैट इज ऑपरूटिंग ऑफ वीड्स ऑपरूटिंग मतलब एकदम जड़ से निकाल देना को बोलते हैं ऑपरूटिंग वीड्स क्या है फिर अनवांटेड अगर प्लांट क्रॉप के साथ ग्रो uh, कर रहा है देन दैट इज कॉल्ड इज ऑपरूटिंग ऑफ वीड्स ये होता है अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ठीक है अगर हम प्लाउंग करते हैं तो ये इजीली चले आते हैं बाहर निकल आते हैं ठीक है तो ई कम्स टू तो फिफ्थ पॉइंट चला गया अब सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट क्या है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रेंट एंड ह्यूमस जो वाटर तुम देते हो या फिर न्यूट्रेंट देते हो ये अगर प्लाउिंग नहीं करेंगे तो ये ऊपर ऊपर ही रहेंगे ना तो ये इजीली चारों तरफ फैलने के लिए डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए हमको क्या चाहिए ये प्लाउिंग चाहिए ह्यूमस क्या है अगर बहुत सारे सड़े हुए प्लांट का और एनिमल का कुछ भी पार्ट्स वहाँ पर है उसको क्या बोलते हैं ह्यूमस तुम पहले से भी उसको पढ़े हो ठीक है ह्यूमस वही होता है ये अच्छा काम करता है सॉइल के लिए तो ये गया सब प्लाउिंग का इम्पोर्टेंस एंड प्लाविंग इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग उसको और एक वर्ड में बोलते हैं क्या टीलिंग प्लाविंग के बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ करना पड़ता है दैट इज लेबलिंग लेबलिंग क्या होता है बताती हूँ फर्स्ट वन क्या उसमें होता है इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सॉयल आफ्टर प्लाउिंग प्लाउिंग के बाद क्या होता है ना बिग बिग लॉम्स आ जाते हैं ओपन हो जाता है सॉयल पूरा का पूरा तो उसमें से मॉइस्चर जो होता है वाटर जो होता है ना वो इवापोरेट होने लगता है तो इसमें से क्या होगा क्या होगा ना जो वाटर कंटेंट है वो ज़्यादा चला जाएगा सॉइल के अंदर जो होता है अगर हम एक प्लेट लेके उसके ऊपर थोड़ा ऐसा घिस के ले आए और उसमें क्या होगा सॉइल थोड़ा टाइट हो जाएगा टाइट हो जाने से क्या होगा उसमें जो जो वाटर होता है वो लॉक हो जाएगा ज़्यादा लॉस नहीं होगा सेकेंड थिंग प्रिवेंट फ्रॉम सॉइल इरोजन अगर मिट्टी ऐसे ओपन हो के रहेगा तो क्या होगा टॉप मोस्ट जो लेयर होता है वो इरोडेड हो जाएगा मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा इरोज हो इरोजन हो जाएगा तो उसको बचाने के लिए हमको चाहिए लेबलिंग करना ठीक है थर्ड वन इज़ यूनिफॉर्मिटी ऑफ सॉयल इन फील्ड हर जगह का सॉयल का जो टेक्सचर होता है उसका जो जो भी होता है ना वो ठीक ठाक नहीं होता है अगर हम लेबलिंग करते हैं ना तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होता है और ये लेबलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सॉइल uh, प्रिपरेशन में ये वाटर uh, को रखता है सॉइल को इरोजन होने से बचाता है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और उसके लिए बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ओके okay, यहाँ पर टीलिंग के लिए देखो ये इंस्ट्रूमेंट पहले जमाने में उसको आ, मतलब आ, करते थे यूज़ करते थे उसमें एक पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर होता था आयरन से बना हुआ जिसको बोलते हैं क्या प्लाउिंग सेयर और उसमें जो हैंडल करने के लिए प्लाविंग साफ्ट होता है और प्लाविंग साफ्ट में जाके एक बुलक के साथ कनेक्टेड होते हैं और उसमें अगर प्रेस करेंगे ना तो जो आयरन पीस है वो आगे जाएगा लेबरिंग के लिए भी वैसा बहुत कुछ होते हैं जैसे कि ए होए होता है कल्टिवेटर होता है जो टीलिंग प्रोसेस में काम आते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स हैं मैं यहाँ पर दे रही हूँ आप देख सकते हो सॉइल प्रिपेयर करने के बाद क्या करना पड़ेगा सीड को बुनना पड़ेगा एंड इसको बोलते हैं सोइंग ऑफ सीड क्या होता है द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द सीड इन द सॉइल टू जॉर्मिनेट इज नोन एज सोइंग जर्मिनेट होने के लिए जो हम सीड को छोड़ देते हैं और वो चारों तरफ बिखर के वो पड़ता है उसको क्या बोलते हैं सीड सोइंग ऑफ़ द सीड क्या क्या होना चाहिए सीड को फर्स्ट ऑफ ऑल सीड कैसा होना चाहिए हेल्दी होना चाहिए एक अच्छा सीड होना चाहिए जिस एक गुड वेराइटी ऑफ फ़ूड मतलब प्रोडक्शन दे सकता है हम जो सेकेंड पॉइंट गुड क्वालिटी का होना चाहिए ओके देन थर्ड थिंग ड्राइड प्रॉपरली प्रॉपरली उसको ड्राइड होने से ही वो अच्छा हो सकता है अगर डैम्पनेस रहेगा ना उसमें फंगस ग्रो करेगा जो कि अच्छा नहीं होता है सीड को ख़राब कर देगा नॉट मिक्स्ड विथ द सीड ऑफ वीट्स वीट्स का सीड के साथ अगर मिल जाएगा तो क्या होगा वीड्स ग्रो करने लगेगा देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन कुछ भी उसको डिजीज नहीं होना चाहिए और उसको हम स्ट्रांग बैग में रखना जरूरी है इंसेक्ट या पेस्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए उसके साथ ओके तो ये सब गया तो सोइंग ऑफ सीड हाउ टू सो द सीड्स कैसे हम उसको बुनेंगे और कैसे हम उसमें सॉयल जो प्रिपेयर हो गया उसके ऊपर कैसे उसको डालेंगे ओके तो प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए उसके जो बीच में एक प्लांट के बीच से दूसरा प्लांट का बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत होना चाहिए जिससे क्या होगा ना वो इक्वली न्यूट्रिएंट मिल पाएगा सफिशेंटली उनको वाटर लाइट सब कुछ मिल पाएगा अच्छे से वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे ओके देन द सेकेंड थिंग इज इन प्रॉपर रो सो दैट वाटरिंग इज ईजी अगर प्रॉपर रो में उसको हम लगाएंगे तो क्या होगा हमको पानी देने के लिए इजी हो जाएगा ना हम जा सकते हैं एक रास्ते लेके हम जा सकते हैं प्रॉपरली अगर रो वाइज हम लगाएंगे तो इजीली हम पॉम्प से चाहे पॉम्प से हो या फिर मैन्युअली हो हम दे सकते हैं इजी टू वाटरिंग ओके देन कम्स टू पर्टिकुलर पीरियड होना चाहिए ऐसा नहीं कि कभी भी उसको लेके हम सोइंग कर देंगे वैसा कुछ नहीं पीरियड होता है ना जब वो जर्मिनेट होने के लिए उसका अच्छा क्लाइमेट परसिस्ट करता है ओके okay. तो इसीलिए हम एक पर्टिकुलर पीरियड में ही उस सीड को बुनना चाहिए ओके देन कम्स टू फोर्थ वन दैट इज़ प्रॉपर कंडीशन ऑफ सॉइल फॉर जर्मिनेशन सॉइल में अगर अच्छा कंडीशन नहीं होगा मान लो पानी हम ज़्यादा लगा लिए इरिगेशन ज़्यादा कर लिए या फिर रेनी uh, सीजन है ज़्यादा पानी है तो उसमें क्या होगा अच्छा सा जर्मिनेशन नहीं करेगा अब आते हैं मेथड्स ऑफ सोइंग कैसे हम सो करेंगे दैट इज़ ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है ना वो पहले ज़माने में करते थे हाथ में ले अभी भी कर रहे हैं हाथ में लेके क्या करते थे ना फेंक देते थे ऐसे इधर उधर चारों तरफ फेंक देते थे मैनुअली करते थे बाई हैंड उसको बोलते थे ब्रॉडकास्टिंग वैसा कुछ स्पेसिंग नहीं होता था ओके okay, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा रह जाता था कहाँ पर बहुत हैवी अमाउंट में रह जाता था वो अच्छा नहीं होता है ब्रॉडकास्टिंग इजी नहीं होता है दैन कस्ट टू सेकेंड वन दैट इज ड्रिबलिंग और इट सीड ड्रिल सीड ड्रिल में क्या होता है ना इक्वल uh, डिस्टेंस में उसको डालते हैं एक मेसिन लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसमें छोटा छोटा होल uh, होता है और उसके अंदर डाल देते हैं क्या सीड को डाल देते हैं एंड प्रॉपर स्पेसिंग के साथ वो उसके अंदर हम डालते हैं जिससे क्या होता है ना इजीली वो मतलब अच्छे से वो हो सकता है देन कम्स टू ट्रांसप्लांटिंग ट्रांसप्लांटिंग अभी भी बहुत जगह में कर रहे हैं एक जगह में क्या करते हैं ना जर्मिनेशन के लिए बहुत सारे सीड को डाल देते हैं ट्रांसप्लांटिंग एक्चुअली में क्या होता है ना नर्सरीज में क्या करते हैं ना एक छोटा सा प्लॉट में बहुत सारे सीड डाल देते हैं मतलब सिर्फ वो वहाँ पर क्या करेगा जर्मिनेशन करेगा वहाँ पर कुछ प्रॉपर स्पेस नहीं होता है ऐसे ही डाल देते हैं जैसे कि वो जर्मिनेशन सिर्फ करेगा और जब छोटा छोटा हो जाएगा दो पत्ता हो जाएगा उसको नेक्स्ट एनअर फील्ड में जहाँ पर हम लगाने वाले हैं वहाँ पर प्रॉपर स्पेसिंग के साथ लगाएंगे ठीक है यहाँ से उधर लगा लेते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है ना इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग ऑफ प्लांट सीड तो डाल दिए अब सीड को चाहिए न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट कैसे दे सकते हैं थ्रो मेन्योरिंग एंड एडिंग फर्टिलाइजर मेनरिंग वो होता है ना जिसमें हम मेन्योर डालते हैं कंपोस्ट एंड फर्टिलाइज़र होता है थोड़ा केमिकल प्रोसेस से होता है ये दोनों चीज़ से हम कर सकते हैं तो फर्टिलाइज़र जो होता है ना वो क्या होता है एक्चुअली कुछ केमिकल सब्सटेंस को लेके केमिकल जो मिनरल्स होता है उसको अगर हम देंगे तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइज़र uh, जैसे कि यूरिया एमोनिया सल्फेट पोटास उसमें क्या होता है नाइट्रोजन पोटेशियम कैल्शियम ये सब हो उसमें होते हैं और दीज आर द न्यूट्रिय फॉर द प्लांट और ये ऐसा नहीं कि ज़्यादा डाल दो प्लांट के लिए जितना ज़रूरी होता है उसी हिसाब से हमको डालना चाहिए अगर तुम ज़्यादा डाल देते हो तो कुछ हद तक ख़राब हो सकता है कुछ हद तक नहीं बहुत कुछ ख़राब हो सकता है इवन ए प्लांट मर भी सकता है ज़्यादा न्यूट्रिएंट की वजह से तो मैन्योरिंग क्या होता है ना ने, नेचुरल मेथड होता है उसमें कंपोस्टिंग ये सब जो होता है मतलब नेचुरली प्लांट एंड एनिमल्स का जो वेस्ट होता है उससे बना हुआ होता है फर्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन क्या है ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्लांट पार्ट्स और एनिमल्स ओके उसमें क्या होता है बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं और बैक्टेरिया क्या होता है ना उसको डिकम्पोज कर देते हैं छोटा छोटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसको क्या बोलते हैं ह्यूमस इट इज़ ऑल्सो ए न्यूट्रेंट देन कम्स टू कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग तो पहले से भी पड़े काओ डोंग से और अगर हम कुछ उसमें डाल देते हैं स्ट्रॉ वगैरह उसमें डाल देते हैं और नेचुरली उसमें होता है देन दैट इज कॉल्ड इज कंपोस्टिंग ये पुराना जमाना का था अभी भी चल रहा है लेकिन अभी एक उसको टेक्निकली इम्प्रूट किया गया है जैसे कि वर्मी कंपोस्टिंग वर्मी का मतलब होता है आर्थफ फार्मर का तो ये जिक्री दोस्त होता है तो जो जो भी कंपोस्टिंग करने के लिए जो जगह होता है ना उसमें अगर हम आर्थॉम डाल देते हैं तो उसको सिंप्लीफाई कर लेता है और वो सॉयल के अंदर ट्रैवल करके ना स्पेस बना देता है तो इसीलिए वो आर्थ हम होता है बहुत अच्छा होता है एंड मेन्योर फर्टिलाइजर आर द न्यूट्रिएंट्स मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को यूज़ ना करके हम कैसे नेचुरल मेथड में हमारे सॉइल फर्टिलिटी को मेनटेन कर सकते हैं तो फास्ट एपे रहता है क्या फील्ड वेलो फील्ड फेलो क्या होता है ना उसको छुट्टी दे देते हैं भाई तू तो जा दो तीन साल सॉरी वन टू टू इयर्स तक तू अपने आप को खुद को खुद का जो न्यूट्रेंट है उसको गेन कर उसको छोड़ देते हैं कि पूरा का पूरा वन टू टू इयर्स तक उसमें क्या होता है ना ह्यूमस रिकवर होता है न्यूट्रेंट रिकवर होता है और उससे क्या होता है फील्ड जो होता है अगेन न्यूट्रंट गेन करता है तो सेकेंड मेथड इज़ मिक्सड क्रॉप नाम तो बता दे रहा है कि वो क्या होता है मिक्सड करके हमको क्या करना है प्लांटेशन करना होता है मान लो ये फील्ड है हम रो वाइज उसको डिवाइड कर लिए हैं ओके तो फास्ट रो में मान लो हम अब लगाएंगे व्हीट तो सेकेंड रो में अभी व्हीट नहीं लगाएंगे एक के बाद एक छोड़कर लगाएंगे तो सेकेंड रो में क्या लगा रहे हैं ग्राम देन व्हीट देन ग्राम देन व्हीट देन ग्राम एंड गोजन ओके okay. तो उसी हिसाब से क्या हम लगाएंगे जिससे क्या होगा ग्राम के पास क्या होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं तो वो फिक्स करेंगे थर्ड टाइप होता है क्रॉप रोटेशन क्रॉप रोटेशन में क्या होता है पूरा का पूरा जो सीज़न है उसमें हम रोटेट करके तीन क्रॉप को लगाएंगे जून के महीने में क्या लगा लिए राइस एंड नवंबर में व्हीट एंड मई में पोल्स अकॉर्डिंग टू द खरीफ रबी एंड जैद जो टाइप होता है उससे क्या होगा ना जो न्यूट्रिएंट मतलब लूज हो गया है वो अगेन रिगेन हो सकता है टाइप्स ऑफ प्लांट के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के साथ नेक्स्ट स्टेप होता है इरीगेशन बड़ा सा वर्ड लग रहा है मतलब मतलब उसका सिंपल सा है पानी देना अगर प्लांट को हम पानी देते हैं कैसे भी करके देन दैट इज कॉल्ड इस इरीगेशन ओके वाटर सप्लाई को बोलते हैं इरीगेशन उसका इम्पोर्टेंस क्या है फिर फर्स्ट वन इज नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन जो सीड हम लगाएंगे ना वो जब आ, उगेगा तो उसका क्या होगा जर्मिनेशन के लिए वाटर मोस्ट नेसेसरी फैक्टर्स होते हैं ओके देन कम्स टू सेकेंड पॉइंट दैट इज़ प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर जो फ्रॉस्ट होता है okay. हाईली टेम्परेचर उसमें होता है मतलब लो कोल्ड टेम्परेचर होता है हॉट एयर हाई टेम्परेचर होता है और ये टेम्परेचर वेरिएशन से सीड को बचाता है थर्ड वन इज़ हेल्प्स इन एब्जोशन ऑफ न्यूट्रियट अगर पानी होता है ना थोड़ा लिक्विड मीडियम में होता है तो इजीली सीड में वो एब्जर्व हो जाएगा अगर सूखा सूखा रहेगा तो वो एब्जॉर्व नहीं होगा न्यूट्रेंट जो भी हम डालेंगे अगर पानी रहेगा तो वो एब्जर्व हो सकता है कम्स टू मेथड ऑफ़ इरीगेशन हम कैसे मतलब किस मेथड यूज़ करके हम इरीगेशन करेंगे फर्स्ट वन आता है मेथड पहले ज़माने में क्या करते थे मोट ढेकली राहत ये सब यूज़ करके पानी डालते थे तब भी वो बहुत स्मार्ट थे फार्मर्स ओके तो ये सब मेथड यूज़ करते थे अब आगे साइंस ज़माने में मॉडर्न साइंटिस्ट के जो फार्मर्स होते हैं ओके अब वो क्या आ, करते हैं इलेक्ट्रिक पम्प यूज़ करते हैं एंड वैरायटी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जैसे कि स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरीगेशन स्प्रिंकलर क्या होता है ना स्प्रिंकल होता है पानी मतलब आ, निकल कर आता है बाहर एक जगह में रिजर्वर होता है पाइप लगा हुआ होता है और यहाँ पर एक पाइप से पानी स्प्रेड होके गिरेगा चारों तरफ हल्का हल्का पानी स्प्रेड होके गिरेगा जिसको बोलते हैं स्प्रिंकलर जिसमें क्रॉप ज़्यादा वाटर नहीं होता है ना, जहाँ पर क्रॉप को ज़्यादा वाटर भी नहीं चाहिए स्टेगनेंट वाटर नहीं चाहिए वहाँ पर स्प्रिंकलर मेथड इज तो द मोस्ट सिंपलेस्ट वे एंड ईजिएस्ट वे टू फॉर द इरीगेशन ओके तो ये स्प्रिंकलर मेथड अच्छा होता है देन कम्स टू ड्रीप इरीगेशन ड्रीप इरीगेशन में क्या होता है वही वाटर रिजर्वर में पानी जो पाइप होता है ना पाइप में पानी जाता है और ईच प्लांट के रूट के पास वो एक पाइप लगा हुआ होता है मतलब डायरेक्टली जाके डिलीवर देगा कहाँ रूट के पास ओके okay. तो ये होता है कि ड्रिप इरिगेशन में डायरेक्टली रूट के पास पानी जाके पहुंच जाएगा ठीक है तो ये ड्रिप इरीगेशन गया तो ये दो मेथड जो मॉडर्न मेथड से उसको यूज़ करके हम इरीगेशन अभी कर रहे हैं बात करते करते हम इतने पानी दे दिए कि इरीगेशन इतने कर लिए कि वाटर लॉगिंग हो गया फिर वाटर लॉगिंग क्या है अगर पानी हम ज़्यादा दे देते हैं और वो स्टे हो के सॉइल uh, के ऊपर रह जाता है तो उसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग तो इससे क्या होता है रिड्यूस एयर इन सॉइल पानी जहाँ जम के रह जाएगा वहाँ पर वो एयर को हटा देगा बबुल्स होके निकल जाएगा सेकेंड वन इज ऑर्गेनिज्म गेट कीर्ड ज़्यादा अगर पानी रहते हैं ना हम तो खुद मर जाएंगे ऑर्गेनिज्म तो छोड़ो तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ना मर जाते हैं जिससे वो यूजफुल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट सॉल्ट अगर आ, हम पानी में क्या होता है सॉल्ट होता है कि नहीं मिनरल्स होते हैं अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो क्या होगा सॉल्ट जो होता है ना ज़्यादा देखने को मिलेगा कहाँ पर सॉयल पर ठीक है अब बारी है वीडिंग की इड भैया के साथ तो पहले से ही मुलाकात हो चुका है वेड क्या है अन वॉन्टेड प्लान इज कॉल्ड इज वीड जो हमें चाहिए ही नहीं उसको क्या बोलते हैं वेड तो उसको अगर हम रिमूव करते हैं देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इज वेडिंग उसको हम निकाल के फेंक देते हैं और उसको बोलते हैं वेडिंग ओके okay? तो कैसे करते हैं तो फर्स्ट इज वाई पुलिंग विथ हैंड और सीड ड्रिल सीड ड्रिल होता है और हाथ से उसको भी निकाल सकते हैं और वो मेथड को बोलते हैं मैनुअल मेथड देन उसी हिसाब से भी हम वीडिंग कर सकते हैं सेकेंड वन इज़ बाई यूजिंग केमिकल्स वीडीसाइड्स वीडिसाइड्स क्या है खुद को मारने को हम क्या बोलते हैं सुइसाइड उसी तरह विड को मारने को क्या बोलते हैं वीडिसाइड कुछ केमिकल्स होते हैं उसको डालने से वो विड मर जाते हैं ओके okay? तो टू फोर डाई क्लोरोफेनक्सी एसिडिक एसिड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इट उसको कब यूज़ करना है बीफोर फ्लावरिंग फ्लावरिंग हो गया है तुम उसको अगर डाल दोगे तो वो तो एकदम अच्छे से रहेगा ठीक है तो फ्लायरिंग के वीफोर हमको मारना अलग करना चाहिए क्योंकि फ्रूट्स होगा ना फ्रूट के ऊपर अगर वो रह जाएगा वीड्स तो हम खा लेंगे वीड क्या मरेगा हम तो मर जाएंगे ना तो जब भी हम डालेंगे हमारा नोज को और माउथ को कवर करेंगे ओके कम्स टू पेस्ट पेस्ट क्या होता है फिर अब जो प्लांट सेक्शन में चला गया वो हो गया वीड भैया अब जो एनिमल में आ रहा है वो क्या है पेस्ट बहन ठीक है तो इंसेक्ट बहन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहन होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं पेस्ट ओके नॉर्मली खरीफ क्रॉप में जो रेनी सीजन होता है ना वहाँ पर वीड भैया को देखने को मिलता है ज़्यादा लेकिन पेस्ट जो होता है ना वो रेनी सीजन में नहीं होते हैं। वो कभी भी आ सकते हैं अभी जो चल रहा है लोकोस्ट आ रहे हैं लोकोस्ट होता है ना जो दिल्ली विल्ली वगैरह में वहाँ पर होते हैं अभी उड़ीसा आ रहे हैं ओके इंसेक्ट एंड माइक्रोन उसको भी मारने के लिए हमको क्या करना चाहिए यूज़ करना चाहिए पेस्टिसाइड्स वो खतरनाक डिजीज भी करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल व्हीट रॉस्ट होता है व्हीट का जो प्लांट होता है वहाँ पर वो डिजीज करते हैं ओके पूरे डिजीज पाथोजन होते हैं डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स क्रॉप्स को एकदम डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं मान लो ये प्लांट है प्लांट का स्टेम काट देते हैं तो जो प्लांट था वो गिर जाता है और कुछ भी नहीं होता है उसमें ठीक है पत्ते खा जाते हैं ओके देट कम्स टू प्रो मेथड्स टू प्रोटेक्ट हम कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे ओके okay, तो ये पेस्ट है या फिर वीट से हम उसको कैसे प्रोटेस्ट करेंगे पेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्टिसाइड्स लाइक दैट like पेस्ट को अगर मारेंगे उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड री डी ये सब यूज़ करके हम उनको भगा सकते हैं बट इट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन ओके हमारे लिए तो वो नहीं है ना हम लोग तो पेस्ट नहीं होते हैं ना तो हमारे स्किन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो जाके वो इन्फेक्शन कर सकता है कॉजे कर सकता है लॉन्ग्स को ख़राब कर सकता है इसीलिए ये सबसे दूर रह के हर्बल यूज़ करना सबसे अच्छा होता है, है बहुत कुछ स्टेप्स फॉलो करके हम क्या के लगा लिए प्लांट को अब बारी है उसको काटने का जो काटने को क्या बोलते हैं हार्वेस्टिंग ओके कटिंग ऑफ द क्रॉप्स इस कॉल्ड इज हार्वेस्टिंग हम उसको मेच्योरिटी होने के बाद ही काटते हैं कि नहीं अगर मेच्योरिटी होने से पहले अगर काट देंगे तो क्या होगा अच्छा नहीं होता है क्या यूज़ करते हैं सिकल यूज़ करते हैं नॉर्मली ये मैनुअली जब करते हैं सिकल यूज़ करते हैं नहीं तो हार्वेस्टर यूज़ करते हैं जो मेसन्स होता है ओके ये सब क्या करते हैं ना जो प्लांट होते हैं प्लांट का जो स्टेम पार्ट होता है रूट के ऊपर वाला पोजीशन को वो काट देता है हार्वेस्टिंग करने के बाद हम स्टेम से ग्रेन को अलग नहीं कर किए हैं अभी तक तो स्टेम से जो, जो ग्रेन्स होते हैं अगर उसको हम निकाल लेते हैं फोर्सिबली किसी के साथ घिस के तो उसको क्या बोलते हैं थ्रेसिंग उसका जो स्टेम है, मतलब होता है मतलब स्टॉक होता है हार्वेस्टिंग के बाद ये स्टॉक से हम करते हैं अगर थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग कम्बाइंडली एक जगह में हो सकता है देन दैट मेसिन इज़ कॉल्ड एज कम्बाइंड मेसिन वो कटिंग भी कर लेता है उसके साथ साथ थ्रेसिंग करके उसको ग्रेन को भी निकाल लेता है इस मेसिन इज कॉल्ड एज कम्बाइंड मेसिन अब कटिंग हो गया ग्रेन को निकाल लिए लेकिन ग्रेन के साथ कुछ ऐसे जो चैफ होता है मतलब अनवांटेड कुछ चीज़ उसमें रह जाते हैं जिसको हमको हटाना चाहिए और विंड यूज़ करके हम उसको हटा सकते हैं मान लो यहाँ पर ग्रेन है और ग्रेन के साथ बहुत सारा चाप्स यहाँ पर है जो कि बहुत लाइट है हल्का होता है हम यहाँ पर एक फ़ैन लगा दिए जो कि विंड ओरिजिनेट कर सकता है ओके okay, और उसको अगर चलाएँगे तो क्या होगा जो चाप है लाइट जो इम्प्योरिटीज़ है वो उड़ के जाके बाहर गिरेगा और रह जाएगा क्या ग्रेन्स तो ये मेथड यूज़ करके हम हमारा जो ग्रेन है हम उसको ला सकते हैं ओके प्योर फॉर्म द लास्ट वन इज स्टोरेज इतना सब कुछ कर लिए अब तो बारी है स्टोरेज करने की हार्वेस्टिंग कर लिए थ्रेसिंग कर लिए विनोइंग कर लिए अब उसको कैसे स्टोर कर करके रखेंगे फ्यूचर यूज़ के लिए द फास्ट थिंग इज स्टोर इन सीलो बड़ा सा एक एलोमिनियम कंटेनर होता है या फिर ग्रैनेरीज होता है सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर तो उसमें हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे किससे रेड से, से एंड बर्ड से जो कि ग्रेन को खा लेते हैं ओके और इसके लिए हमको स्टोर इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग अरे और किस में रखेंगे एयर टाइट बैग एयर टाइट बैग कुछ कुछ ऐसे बिसीड होते हैं जो एयर के साथ कंटैक्ट में आके ऑक्सीडेशन हो जाते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं खराब हो जाते हैं और आ, उसमें उसमें क्या होता है ना एयर टाइट बैग में रखेंगे केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे केमिकल ट्रीटमेंट क्यों करेंगे कुछ फंगस होते हैं या फिर कुछ पेस्ट उसमें रह जाते हैं जो कि पूरा साल अगर रहेगा वो सीड या फिर ग्रेन उसको ख़राब कर सकते हैं देन कम्स टू हर्बल ट्रीटमेंट हर्बल ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं जैसे कि नीम लीव्स और भी बहुत हर्बल uh, uh, पत्ते होते हैं जिसको यूज करके हम कर सकते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम द मॉइस्चर अगर पानी रहेगा ना उसमें फंगस का तो फेवरेट प्लेस है ओके okay, तो ये फंगल ग्रोथ आराम से हो जाता है मॉइस्चर जहाँ पर होता है तो इसीलिए हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे किससे मॉइस्चर से उसको ड्राई कर लेंगे स्टोर करने से पहले हम उसको हाई टेम्परेचर में ड्राई कर लेंगे ठीक है तब जाके हम स्टोर करके अच्छे से रख सकते हैं सबसे संभाल के हमारा जो कीमती चीज़ है अभी स्टोर हो के रह सकता है तो ये मेथड सब था जिसको फॉलो करने से अच्छा ग्रेन्स मिलेगा क्रॉप इम्प्रूवमेंट वो कोई स्ट्रेप्स नहीं होता है लेकिन हम उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है जैसे कि मान लो अगर अच्छा क्वालिटी हम अगर ग्रेन चूज़ नहीं करेंगे तो अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा इतना जो हार्ड वर्क कर रहे हैं फार्मर्स वो अच्छा नहीं होगा फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी अच्छा होना चाहिए जो भी तुम चूज़ कर रहे हो ना उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए प्रोडक्शन रेट उसका बहुत ज़्यादा होना चाहिए तभी जाके हो सकता है डिजिस फ्री होना चाहिए डीजिस अगर हमेशा वो प्लांट को होता है तो ये ठीक नहीं होता है डिजिस सीड्स होना चाहिए क्लाइमेट रेजिस्टेंस चाहे वो फ्लोड हो या फिर ज़्यादा सनी हो तो उसमें क्या होता है ना वो अच्छे से रजिस्ट करके रह सकता है देन उसी तरह का सीड चाहिए अभी क्या करें ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके राइस का बहुत वैरायटी सब क्रॉप का है पद्मा जया सोनाली सोनालिका बहुत सारा है जो कि ये सब क्वालिटी रखता है और बायो बायोटेक्नोलॉजी का लिए क्या होता है ना यूज़ करके डिफरेंट मेथड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हाइब्रिडेशन करते हैं हाइब्रिडेशन क्या होता है जो तुम्हारा तुम्हारे लिए अच्छा होता है तुम जो क्वालिटी को चूज़ करते हो उसी क्वालिटी वो प्लांट में रह सकता है मान लो एक फ्रूट है जो कि स्वीट है लेकिन उसका साइज़ बहुत छोटा है तुम्हारा मन नहीं भर रहा है उसको खा के लेकिन और एक प्लांट है उसी कैटेगरी का जो बीग है लेकिन सौर खट्टा है तो उसका जो पोलिनेशन होता है ना मतलब प्लांट का जो पोलिन ग्रेन्स होता है उसको ला के हम फ्यूज़ कर लेते हैं करने से जो नेक्स्ट होगा जो भी पेड़ होगा उसमें क्या होगा स्वीट भी होगा एज वेल एज बिग भी होगा डबल प्रॉफिट एंड दिस वन इज़ कॉल्ड इज हाइब्रिडाइजेशन ठीक है तो वो प्रोसेस यूज़ करके क्रॉप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अभी आते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स प्लांट से तो बहुत कुछ फूड मिल रहा है लेकिन एनिमल से भी बहुत कुछ फूड मिलता है ओके okay? तो एनिमल ही एनिमल हजबेंड्री उसको बोलते हैं जो एनिमल से हमको रेयरिंग करते हैं ये चार चीज़ मिलता है फर्स्ट वन इज़ डेयरी प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्ट किसे कहते हैं जो मिल्क प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट मिल्क होता है पनीर होता है चीज़ होता है जो भी जो भी जो भी देन कम्स टू पल्ट्री पल्ट्री क्या होता है एग और मीट के लिए मतलब हैन के लिए हैन अगर हम रेयरिंग करते हैं पालते हैं देन उसको क्या बोलते हैं पोल्ट्री प्रोडक्ट हम उससे पा रहे हैं देन कम्स टू पीसी कल्चर लाइक दैट पीसी कल्चर मतलब होता है पीसी मतलब होता है फिशी फिशी फिश ओके okay, अगर हम उसको रेयरिंग हैं और उसको बोलते हैं क्या फिश कल्चर देन कम्स टू एपी कल्चर एपी का मतलब होता है बी बी को आर्टिफिशियली बी हाइप बना के फ्लावरिंग प्लांट को लगा के हम उससे हनी भी पाते हैं तो ये होता है एनिमल प्रोडक्ट तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तुम्हारा चैप्टर इतना कुछ पढ़ लिए तुम नेक्स्ट क्लास पर मिलते हैं थैंक यू